फिर से एक नई वाली वीडियो के साथ में हमारे चैनल सौभाग्य जिंदल पे बहुत ही लंबे समय के बाद एक नई अनबॉक्सिंग आ रही है चैनल पे और बोर्ड से पहले ऐसी कम अनबॉक्सिंग आएंगी और इसमें फेस रिव्यू नहीं कर पा रहा हूँ इसके लिए सॉरी। ये वीडियो बहुत ही एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वीडियो होने वाला है जिसमें ज़्यादा कुछ मैं डिटेल्स आपको स्पेसिफिकेशंस नहीं बताऊंगा, जो जो बॉक्स के ऊपर मेंशन है और जो जो मुझे दिखेगा प्रोडक्ट के साथ साथ मैं बताते जाऊंगा और प्रोडक्ट को हम टेस्टिंग करेंगे, रिव्यू भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, हम स्ट्रेट रखेंगे, ज़्यादा एडिटिंग इस वीडियो में करने का मुझे टाइम नहीं मिलेगा उसके लिए सो सॉरी। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं यहाँ से इसकी सील को कट करते हुए। तो ये हमने कर लिया इसकी सील को कट। उससे पहले हम देख लेते हैं बॉक्स के ऊपर क्या क्या कंटेंट्स हैं। ये सबसे पहले हमारे सामने आता है बोट का ये स्पीकर जिसके ऊपर लिखा चूज योर वाइब एंड ये बोट का स्टोन स्पीकर है जो कि ब्लूटूथ स्पीकर 650 है और यहाँ पर बोट का एक लोगो दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर हम देखें तो यहाँ ऑक्स और TF दोनों कंपेटिबल है। पावर पैक्ड HD इमर्सिव ऑडियो लिखा हुआ है। अप टू 7 आवर्स ऑफ प्ले टाइम इसमें आपको मिल जाता है। एक्सटेंडेड बैटरी जो कि 1800 mAh की बैटरी इसके साथ दी गई है। ब्लूटूथ वर्जन 4.2 इनहेंस कनेक्टिविटी है जो कि शायद थोड़ा कम है आज के मार्केट के हिसाब से। ब्लूटूथ 5 इंटीग्रेटेड स्पीकर्स बहुत ही कॉमनली हमको देखने को मिल जाते हैं, फिर ब्लूटूथ 4.2 वर्जन भी अच्छा है। इंटीग्रेटेड मल्टीफंक्शन कंट्रोल इसमें दिया गया है। IPX5 वाटर रेजिस्टेंट है जो कि इसको स्प्लैश प्रूफ बना देता है कि हल्के फुल्के शावर से अगर आपको इसके लग जाते हैं तो ये आपको अडॉप्ट कर लेगा, प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन वाटर रेजिस्टेंट नहीं है। स्लीक एंड एक्सक्यूसाइड डिज़ाइन दिया गया है इसमें, तो डिज़ाइन तो अभी हम इसका चेक करेंगे ही। इस तरफ बोट मैंशनड है, पीछे इसके कुछ कलर्स दिए गए हैं और हम देखते हैं हमारे पास कौन सा कलर आया हुआ है। पीछे और कुछ ज़्यादा दिया नहीं गया है इसके अलावा, थोड़ा सा यहाँ पर 5W 2 एम्पीयर्स कुछ कुछ यहाँ पर और चीज़ लिखी गई है। अगर आप देखना चाहें तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पर देख सकते हैं। तो अनबॉक्स को अनबॉक्स करके देख लेते हैं यहाँ से। तो ये हमारा बॉक्स हो रहा है अनबॉक्स और निकल कर आएगा हमारे सामने हमारा स्पीकर प्यारा सा। सबसे पहले बॉक्स में सबसे ऊपर देखने को मिल जाता है हमें यहाँ पर बोथ हेड्स करके यहाँ पर एक कार्ड दिया गया है। तो ये वारंटी कार्ड इसमें दिया गया है जिसमें 1 ईयर की वारंटी आई है, मैन्युफैक्चरर्स वारंटी। तो ये दोनों इसके ब्रांड एम्बेसडर बोट कंपनी के कार्तिक आर्यन एंड कियारा आडवाणी। तो इसे रखते हैं हम साइड पे। उसके बाद हम यहाँ पर देख लेंगे तो हमको देखने को मिल जाता है बोट का वेलकम कार्ड, बोट स्टोन ब्लूटूथ स्पीकर 650 और पैकेज कंटेंट्स और कुछ कुछ इसमें यहाँ पर दिया गया है। तो ये सब हमें देखने की ज़रूरत नहीं है अभी। उसके बाद हमारा निकल कर आता है सीधा यहाँ पर बोट स्टोन स्पीकर। इसका डिज़ाइन मुझे बहुत ही प्यारा दिख रहा है यहीं से, तो इसे भी हम निकाल कर देख लेते हैं। इसको एक बार रखते हैं यहाँ पर हम साइड में, देखते हैं बॉक्स के अंदर और कुछ भी मिलता है कि नहीं। हाँ, तो यहाँ पर हमको मिला है एक 3.5 mm केबल जो कि दोनों साइड 3.5 mm टू 3.5 mm दिया गया है। उसके बाद हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है ये एक और केबल जो कि है हमारा USB टाइप ए टू माइक्रो USB केबल, टाइप सी नहीं आता है। तो इसे भी रखते हैं हम यहाँ पर साइड में। इस बॉक्स को अनबॉक्स करने के बाद हमारे पास ये सब कंटेंट्स आए हुए हैं, एक यूज़र मैनुअल कार्ड, वारंटी कार्ड, दो केबल्स। अब हम देख सकते हैं हमारे स्पीकर की तरफ कि स्पीकर में हमारा क्या क्या दिया गया है। स्पीकर बहुत ही हैवी लग रहा है मुझे, तो इसे यहाँ पर निकाल कर देख लेते हैं हम। बहुत ही बड़ा और हैवी स्पीकर है, तो हो सकता है साउंड भी अच्छी हो, तो इसे हम यहाँ पर रख लेते हैं। और इस स्पीकर में इस तरफ हमें हाँ यहाँ पर एक दिया गया है अटैच करने के लिए, जैसे कि हम इसे स्टैंड्स वगैरह पे अटैच कर सकते हैं ट्राईपॉड पे। तो ये बहुत ही अच्छे से यहाँ पर रखा जाएगा। सामने तरफ दी गई बोट की एक ब्रांडिंग, नीचे तरफ है उसका बेस। लेफ्ट साइड पे देखें तो हमें कुछ नहीं मिलता है, राइट साइड पर हमें मिलते हैं सारे कंट्रोल्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या कंट्रोल हैं, वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस, सॉन्ग रिवर्स, सॉन्ग फॉरवर्ड, नेक्स्ट सॉन्ग एंड हियर इज पावर बटन, सॉरी दिस नॉट दिस बटन इज फॉर प्ले और पॉज, दिस इज पावर बटन। तो अभी से हम रखते हैं यहाँ पर बीचों बीच में और स्टार्ट करके देख लेते हैं हमारे इसी स्पीकर को जो कि बोट स्टोन ब्लूटूथ 650 स्पीकर्स। तो यहाँ पर हम इसका प्रेस करेंगे पावर बटन और होल्ड करेंगे, यहाँ पर लाइट ब्लिंक हो जाती है। यहाँ पर दो चीज़ आपको और दिया गया है, यहाँ पर सबसे पहले आपको एक इंडिकेटर लाइट दी गई है और यहाँ पर माइक्रोफोन के लिए आपको एक स्पेस दिया गया है। और कुछ इसके आसपास नहीं मिलता है, पीछे एक मार्क दिया गया है ISI। और बाकी स्पीकर हमारे बहुत ही प्यारे से लुक में आप देख सकते हैं। तो इसकी वॉल्यूम हम कर देते हैं यहाँ से फुल। अब हम कनेक्ट करके देखेंगे हमारे यहाँ पर कोई एक दूसरा फोन, तो मैं एक फोन लेकर आ जाता हूँ जल्दी से।
तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर अपना फ़ोन लेकर आ गया हूँ। यहाँ पर हमें सामने में दिखता है बोट स्टोन 650। जैसे ही मैंने ऑन किया ब्लूटूथ तुरंत से हो गया और पेयरिंग के लिए पेयर, तो यहाँ पर तुरंत ये बोट कनेक्ट हो गया। तो इंस्टेंट पेयरिंग इसमें दिया गया है शायद, लेकिन बॉक्स पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं था, लेकिन पेयरिंग इसकी बहुत ही फास्ट हुई है। तो वॉल्यूम इसकी फुल कर दिया हमने, और यहाँ से वॉल्यूम फुल करके आपको जल्दी से कुछ सुना देते हैं इसमें। तो यहाँ पर हम प्ले कर लेते हैं यूट्यूब से ही एक साउंड, और ये इसमें हमने देखा फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा बेस और ऑडियो क्वालिटी इसमें यहाँ पर आ रही है। तो यही था हमारा बोट स्टोन 650 स्पीकर, जिसमें मैंने आपको बताया है कि कई सारी चीज़ें कंपेटिबल हैं। तो अब ये TF कंपेटिबल कहाँ से है मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ कि आपका TF कार्ड या ये सब जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं वो कहाँ पर लग जाएंगे, ऑक्स और TF। तो ये जो हमारा स्पीकर है कि जस्ट पीछे में अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये दिया गया है हमें यहाँ पर कुछ पोर्ट्स, तो इसे हम जल्दी से यहाँ पर ऐसे निकाल कर देख लेते हैं। हाँ, तो इसके अंदर हमें दिया गया यहाँ पर माइक्रो USB पोर्ट चार्जिंग के लिए, और कोने में दिया गया यहाँ पर TF कार्ड। अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर कोने में आपको TF कार्ड दिया गया है, और उसके सामने दिया गया है ऑक्स पोर्ट, इस पर कि आप ऑक्स केबल कनेक्ट करके भी इसे प्ले कर सकते हैं। अभी हमने इसे वायरलेसली प्ले किया था थ्रू ब्लूटूथ, और इसमें आप ऑक्स केबल कनेक्ट करके भी प्ले कर सकते हैं। BSB से स्पीकर का बहुत अच्छा है, अगर ऑडियो क्वालिटी की बात करें तो भी बहुत ही तगड़ी है। तो अगर आप मेरी रिकमेंडेशन मांगेंगे इस स्पीकर को लेके, तो हाँ मैं सजेस्ट करूँगा कि इस स्पीकर को आप ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस स्पीकर के प्राइस की, तो मैं जल्दी से आपको इसका प्राइस रिवील कर देता हूँ। तो इस स्पीकर की प्राइस जो इसके बॉक्स के ऊपर मेंशन है वो यहाँ पर लिखी गई है 4,990, नियरली 5,000। लेकिन इसके जो एक्चुअल प्राइस आपको इंडियन मार्केट में ऑनलाइन अगर आपको देखने को मिल जाएगी तो वो है यहाँ पर ये प्राइसिंग, अगर आप अमेजोन या इसकी ओरिजिनल साइट से खरीदेंगे तो 2,000 रुपीज़ का परचेज कर सकते हैं। अमेजोन पे 1,899 पे दिखा रहा है, और भी यहाँ पर आपको कई साइट दिख रही हैं। तो इस पर स्पीकर को आप परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन, और इसका नॉर्मल MRP अगर हम पकड़ें तो 2,000 रुपीज़ के अराउंड में आपको मिल जाएगा, ऑफर्स के साथ आपको ये और कम पड़ेगा। तो होपफुली फ्रेंड्स ये अनबॉक्सिंग और रिव्यू आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।